सेवन हैबिट्स कुछ इस तरह की हैबिट्स है कि जो एक स्टीफन कवी ने अपना रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने देखा अपने रिसर्च पेपर में, अपने थीसिस में, कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे कौन सी क्वालिटीज हैं उन लोगों में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में। एंड ये सेवन हैबिट्स कुछ पैराडाइम्स हैं, कुछ परसेप्शंस हैं जो कि हम सारे अपने अंदर उसको डाल सकते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ को बेटर करने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। इसमें उन्होंने बताया गया था कि अपना आपका पर्सपेक्टिव होता है, अपना नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, डील करने का। एक बार एक कोई फैमिली होती है, उसमें एक बेटी अपनी माँ को कहती है रोज कि मम्मा ये हमारे घर के उस साइड इतना गंदा गंदा क्यों है, इतना गंदा क्यों रहता है, मैं रोज सुबह उठती हूँ तो जब मैं खिड़की से देखती हूँ तो वो साइड हमेशा गंदी दिखती है, ऐसा क्यों है। तो मदर कहती है कोई बात नहीं, तुम अपने पे फोकस करो, तुम अपनी चीजें देखो, इट्स ओके। तो एक दिन जब वो उठती है, देखती है वो जो दूसरी साइड होती है वो गंदी नहीं होती, वो बड़ी क्यूरियस ही होती है, अपनी मम्मी से फिर से पूछती है मम्मा आज ऐसे कैसे, इतने दिनों से तो वो गंदा दिख रहा था, आज गंदा क्यों नहीं दिख रहा। तो मदर कहती है बेटा एक्चुअली ना हमारी विंडो आज था वो बहुत गंदा था, वो मिट्टी से भरा हुआ था, आज मैंने वो साफ करा, आप रोज पूछते थे तो मुझे भी लगता था, तो मुझे लगा कि क्या है। तो ये हमारा नजरिया है, पर्सपेक्टिव है किसी चीज को देखने का। हम बड़े से दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं, दूसरों पे हम थोप देते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, या हम ये कहते हैं कि जब मैं फलाने बंदे से बात कर रहा था या कर रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी, उसने देखा बड़ी डिफरेंट तरीके से मेरी तरफ, उसने गुस्से से देखा, उसने ये किया, पर हम ये नहीं देखते कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है किसी चीज को देखने का। तो ये जो सेवन हैबिट्स है बेसिकली, ये अगर हम लर्न करें और जाने, ये हम अपने लव्ड वंस को भी कराते हैं, उनको भी बताते हैं, और ये हर एक चीज में हेल्प करती है। अगर आपने बिजनेस भी करना है ना कोई, अगर इन सेवन हैबिट्स को देख के करे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इफ यू रियली सी कि ये वाली हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इंडल्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है जिनके राइटर हैं स्टीफन कवी, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1989, जिसका एडवांटेज हम अपने प्रोग्राम में भरपूर ले रहे हैं। और ये बुक लिखी गई थी तब एज अ पर्पस ऑफ, उनका थीसिस था, उनके प्रोफेसर थे क्योंकि वो एक डॉक्टरल स्टूडेंट थे, तो यूनिवर्सिटी में एक उनको थीसिस मिला था कि जो दुनिया में इफेक्टिव लोग हैं उनके अंदर कौन से आदतें होती हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो डॉक्टर मार्विन पिटमैन उनके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने ये थीसिस दिया था कि दुनिया में जो लोग असरदार हैं, मजेदार हैं, जो दुनिया में लोग अफेक्टिव हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें कुछ तो कामयाबी वाली आदतें होंगी, वो कहाँ थी। तो उन्होंने जब अपना थीसिस शुरू किया तो वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने दुनिया के कम 200 साल का लिटरेचर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि दुनिया में जितने लोग फेमस हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, जो दुनिया में अफेक्टिव हैं, उनके अंदर वो कौन सी आदतें हैं। तो वहां से उनका थीसिस एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक में पब्लिश हुआ जिसका नाम था सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, क्योंकि ये हमारे रिकवरी प्रोग्राम का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ। एंड जैसे मैम ने बोला, ये आपके पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल, आपकी ओवरऑल हॉलिंग में ये आपकी ये सेवन हैबिट्स आपको एकदम निखार के लाएंगे, क्योंकि कहते हैं आदतें आपको राज पे चढ़ाती हैं, आदतें ही आपको आपकी राज से उतारती हैं। तो हम सब अपनी लाइफ में ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं क्या है जो हमारे फंडामेंटल बन सकते हैं, जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, वो क्या है, ये हम सब वो अगर उस चीज की प्रैक्टिस करें विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आदत का नाम क्या है, आदतें किसे कहा जाता है, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे आपके अपने आप आ जाती हैं, आपके अनकॉन्शियस बिहेवियर आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है।
तो हमने वो असरदार आदतें अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे लेके आनी है, जिससे हम अपनी रिकवरी को भी सपोर्ट करें और अपने लव्ड वन की भी लाइफ को ब्लॉसम करने में मदद करें। हम अक्सर कहते हैं ना कि आदत बिगड़ गई है, ये जो हमारे पेशेंट है, हमारे लव्ड वन है, इनमें बुरी आदतें हैं, इनमें बहुत सारी बुरी आदतें इन्होंने पाल ली है। हम ये भी कहते हैं छोटा बच्चा होता है, इसकी आदत बिगड़ गई है। तो ये एक रिसर्च है कि 3 to 4 ईयर्स के बच्चे को जब आप कुछ नॉलेज देना शुरू करते हैं, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ ब्रेन, जहां पे हम उनके ब्रेन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आदतों को हम कहते हैं आदतें नहीं बनती, एक पंजाबी में कहावत भी है, पता नहीं आदतां समथिंग, तो ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें कोई भी नई हैबिट जब डेवलप करनी है, रिसर्च सेज 21 दिन अगर आप लगातार 21 दिन से लेके 40 दिन 40 डेज तक अगर आप सेम हैबिट डेवलप कर ले, तो वो नई आदत अपने आप आ जाती है, पुरानी आदतें साइड पे होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सुबह उठने की आदत नहीं है, वो नहीं उठ सकता, लेकिन वो धीरे धीरे एक रूटीन बना ले कि मैंने गुरुद्वारा साहब जाना है या मैंने 5 बजे का अलार्म लगाना है, तो आप नोटिस करेंगे आफ्टर 21 डेज खुद ब खुद विदाउट अलार्म आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। तो कोई भी नई हैबिट डिवेलप करने के लिए अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपकी डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उस हैबिट को डिवेलप करने की, नंबर वन। नंबर टू इज नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अगर आप कोई भी नई हैबिट अपने पास लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से कर सकते हैं। एंड नंबर थ्री इज उसके लिए स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब है अक्सर हम नॉलेज भी ले लेते हैं, डिजायर भी होती है हमारी, लेकिन हमारे में स्किल्स की कमी होती है, हम स्किलफुली उस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते। हम कह तो देते हैं मैंने ये करना है, मेरी डिजायर है, हम ये भी कह देते हैं मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज ले ली, पर जब उसको अपनी डेली लाइफ में स्किलफुली हमने यूज करना है, वो हम नहीं कर पाते। तो आज हम फर्स्ट हैबिट को डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये क्लियरली हमारे लव्ड वन की रिकवरी और आप लोगों के अंदर कोई जो चेंज आना है उसके साथ रिलेटेड है। आपकी रिकवरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लव्ड वन की रिकवरी के साथ। सो प से प्रोग्राम, प से पैराडाइम, प से परसेप्शन और प से प्रिंसिपल। सो प्रोग्राम जब हम कह रहे हैं पी फॉर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में सबसे पहले किस चीज पे ये आपकी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट इज योर पैराडाइम्स। पैराडाइम्स मतलब जो पक्के हमारे अंदर धर्रे बन चुके हैं सोच के, हमारे पक्के जो बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं। तो पहली कहते कि अपने पैराडाइम्स को चेक करो आप, क्योंकि अब जब हम प्रोग्राम में आ रहे हैं, बिकॉज बीइंग इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम सबसे पहले किस पे बात करते हैं कि जो पुरानी धारणाएं हमने बना के रखी हैं, चेक देम। उसके बाद परसेप्शन, परसेप्शन मतलब कि कौन सा लेंस, कौन सा नजरिए के साथ आप दुनिया को देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, अपने लव्ड वन को देख रहे हो। सो सेकेंड इज योर परसेप्शन, अपने धर्रों को चेक करिए सोच के, उसके बाद अपनी नजरिए को चेक करिए कि किस परसेप्शन के साथ आप दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि वो लेंस बहुत है। अगर व्हाइट लगर मैंने लेंस डाला है तो दुनिया सफेद दिखेगी, काला चश्मा डाला है तो सब में काला ही दिखेगा। तो मेरा नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर थ्री इज जब हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, क्योंकि बिना प्रिंसिपल्स के कोई भी रिकवरी का प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। जो हम हमेशा अपने सेल्फ विल के हिसाब से चले थे, अब प्रोग्राम यू टर्न लेके कह रहा है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाओ। सेल्फ सेंटर्ड की जगह क्या होना, प्रिंसिपल सेंटर्ड, कि कुछ ऐसे एथिक्स रखो, कुछ ऐसे आप पक्के मजबूत बुनियाद रखो जिनके ऊपर आप अपने रिकवरी के प्रोग्राम की नींव खड़ी करोगे। एंड रिकवरी में बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल हम हमेशा बात करते हैं ऑनेस्टी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। जैसे जैसे आप प्रोग्राम, जब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल्स यू विल गेट। बट अगर हमने प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल किया है, तो आप यहाँ पे किसके लिए क्वालिफाई होंगे कि आप अपने पैराडाइम्स पे काम करेंगे,
परसेप्शन पे काम करेंगे एंड देन कुछ प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में उन मूल आधारों को लेकर आएंगे जिनको आप फॉलो करेंगे। अगेन क्यों करेंगे? क्योंकि हमने भी ठीक होना है, हमने भी रिकवर होना है और साथ में जो फैमिली हमारे साथ जुड़ी है, मेरा लव्ड वन जो जुड़ा है, वो भी उसकी रिकवरी में हम उसको एकदम खिला सकें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर वन हैबिट जब हम आज बात कर रहे हैं कि लाइक हैबिट नंबर वन क्या है, हैबिट नंबर वन जो हम सेवन हैबिट्स में से ले रहे हैं, दैट इज बी प्रोएक्टिव। और इसमें हमने एक लाइन ऐड किया है, वर्किंग ऑन मी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। जब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा फोकस इधर उधर जो हर जगह बिखरा हुआ है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इनके कारण ठीक नहीं, उनके कारण ठीक नहीं, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, उसकी जगह ये जो हमारा बिल्कुल फोकस बिखरा पड़ा है उसको आप कहां पे लेके आओगे? टू वन सेंटर, एंड वो वन सेंटर इज यू योरसेल्फ। हम अपने ऊपर काम करने से शुरुआत करेंगे रादर देन कि जिनको हम लेकर आए हैं हम उनके ऊपर फोकस करना शुरू करें, क्योंकि बीइंग अ फैमिली हम सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ पे आता है कि जिनको लेके आए हैं ये बीमार है, इनके ऊपर आप काम करिए, इनको ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल, वी जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट, आपको हम उस चीज को बिल्कुल एग्री करते हैं, बट क्योंकि आप फैमिली हो, क्योंकि हम सब अपने रिश्तों में इंटरडिपेंडेंसी में हैं, इन फैमिली नॉट्स में, टाइज में, तो हम इस इंटरडिपेंडेंसी में हम अपने सबसे ऊपर किस पे फोकस लेके आएंगे कि मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो नंबर वन इज बीइंग प्रोएक्टिव, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेवारियां क्या है जिससे मैं अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट करूं। So here is the list. Can we go ahead? There are three points. Let's take responsibility. यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी ले। Let's initiate. Initiate का मतलब है हम wait ना करें कि कोई और आए और मेरी मदद करे, हम खुद शुरुआत करें। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि intervention करनी होती है family की तरफ से, कि आप शुरुआत करें, इंटरवेंशन करें ताकि चीजें बेटर हो सके। एंड लेट्स प्लान इन अहेड, पहले से ही हम तैयारी करें। बीइंग प्रोएक्टिव का बेसिक मतलब है दो चीजें इसमें, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमने तैयारी करनी है, पहले से ही तैयारी। फॉर एग्जांपल, आप सब एग्रीकल्चरिस्ट, जब हम कोई भी अपनी जो फसल है वो पक जाती है उसको संभालते हैं, या अभी संभाला नहीं होता और आपको ये अंदेशा है कि बारिश आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको पता लगता है या आपको थोड़ा सा लगता है ये डाउट कि बारिश आने वाली है, तो फसल का क्या करेंगे? हम पहले से ही तैयारी करेंगे और इसको संभालेंगे ताकि कि फसल खराब ना होए। इसी तरीके से हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें पहले से ही कुछ चीजों की तैयारी करनी है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। सो नंबर वन इज के जब हम कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, एंड मैंने जब अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है तो अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए मेरी क्या ड्यूटीज हैं, मेरे क्या रोल्स हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसमें नंबर वन है लेट्स गैदर अबंडेंट नॉलेज अबाउट डिजीज एंड इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन द ट्रीटमेंट। अबंडेंट नॉलेज अबाउट डिजीज, अबंडेंट मतलब खूब ढेर सारी। जो सवाल है उससे पहले, सबसे आप में से यहाँ आने से पहले किन लोगों को लगता था कि ये बीमारी नहीं है, सिर्फ नशा है? मोस्टली हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जैसे बाकी बीमारियां हैं, जब हम किसी को कैंसर होता है, चोट लगती है, हाथ की प्रॉब्लम होती है, हम रोना भी डाल देते हैं, हम सब रिलेटिव्स को भी बता देते हैं, हम गए और कितने सारे लोग हालचाल पूछने भी आते हैं, पर एडिक्शन को हम बीमारी नहीं समझते।
हमें ये लगता ही नहीं है कि ये बीमारी है, हमें लगता है कि बस ये आदतन इसने शुरू कर दिया, एक बैड हैबिट लग गई, बैड सोसाइटी में चला गया। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो हमें आके यही बोलते हैं, अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था, इसकी तो दिल इतना दरिया है, इतना ये काइंड बंदा है, सबकी हेल्प करने वाला, ये कुछ ना बुरी संगत मिल गई इसको, बुरी संगत मिलने से ना ऐसा हो गया। तो हम पहले अबंडन नॉलेज का मतलब है जो मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले ये खुद एक्सेप्ट करें। हमारे लिए बहुत मुश्किल है बीइंग पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करना कि हमारा लव्ड वन नशे में चला गया, तो ये बीमारी है एंड इसके लिए हम नॉलेज गेन करें। आप अपने ट्रीटिंग टीम से सवाल करिए, आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको हम अवेयरनेस के लिए कुछ रील्स भेजते हैं, कुछ वीडियोस भेजते हैं, आपको नहीं समझ आता आप हमसे क्वेश्चन करें, आप समझे, पहले खुद समझे कि हमने अपने लव्ड वन के साथ करना क्या है। ले तो आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, ले आए, कितनी बार हमने बोला कि ट्रीटमेंट के लिए फैमिली ले आती है और कहती है 3 महीने बाद नवा नकोर करके भेज देना। अब वो नवा नकोर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट, आप पहले ये बताइए आपको क्या पता है बीमारी के बारे में और आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं और इन रिटर्न आपको मिलेगा क्या। ये सारी चीजें आपके कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए अपनी ट्रीटिंग टीम से, ताकि हम आपके लव्ड वन को बेटर कर सके। आपके पुराने पैराडाइम के हिसाब से ये बीमारी नहीं थी, बट वेन यू कम इन टू द स्ट्रक्चर प्रोग्राम, जब आप रिकवरी में मीटिंग्स में बैठते हैं तो आपका पहला पैराडाइम उससे डीबंक होता है कि जिसको हम ये आदत कह रहे थे, गंदी आदत कह रहे थे, वो गंदी आदत नहीं, वो बीमारी है। कौन सा ऐसा मेरा फैमिली मेंबर है घर का जिसको मैं काबू कर सकता हूँ। एक घुड़सवार जब घोड़े पे बैठता है, उसको ट्रेनिंग होती है, तो उसने ना बड़ा ब्यूटीफुली बताया उस पेशेंट ने हमें कि जब वो घोड़े पे बैठता है तो जिस हिसाब से काठी पे बैठता है, जिस हिसाब से पैर जमाता है, जिस हिसाब से लगाम पकड़ता है, तो घोड़े को पता होता है अब ये सवारी कर लेगा, ये मुझे काबू कर लेगा। इन द सेम वे एक पेशेंट को पता है मेरे घर में वे 5 फैमिली मेंबर्स है, कौन है वीक, किसको मैं पटका सकता हूं। मेरी मम्मा वीक है, मेरे पापा वीक है, मेरे दादा वीक है, मेरी दादी वीक है, कि मेरी वाइफ वीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पूरे फैमिली मेंबर्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वो हमें पटका नहीं सकती बीमारी, हमें कभी नहीं गिरा सकती। सो दिस इज द नॉलेज यू हैव टू गेन। सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टेज पे आप इमोशनली वीक हो रहे हैं या आपको जवाब नहीं आ रहा अपने पेशेंट के साथ बात करने के लिए, यू शुड जस्ट कंसल्ट योर थेरेपिस्ट, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप उसी टाइम पे बात करें। तो अबंडेंट नॉलेज लेनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, And involve ourselves in the treatment. That means treatment के 5 चीजें होंगी। सबसे पहले detoxification जो hospital में होता है, then goes with medication जो medication चलेगी, then उसके बाद counseling, therapies and then उसके बाद follow-ups। ये 5 चीजें अगर treatment की चलेंगी तो nobody can stop anyone to do recovery। और हमारे loved ones पता क्या कहते हैं, दवाई खानी है, detox हो गया, counseling करा ली, दवाई खानी है, इतने भी तो दवाई देनी है, मतलब उनका। और वो इतनी ब्यूटीफुली अपनी फैमिली को कन्वेंस कर लेते, क्योंकि कन्वेंस पार्ट तो होती है। मैं तो कहती हूँ हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, वो जादूगर होते हैं, उनको जादू आता है, उनको बहुत अच्छा जादू आता है कन्वेंस करने का। हमसे नहीं कन्वेंस होते, फिर वो कन्वेंस कर लेते हैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो वो जो कन्विंस कर लेते हैं उसको आपने समझना है कि अब बाजी मार लेनी उन्होंने, अब उन्होंने कोई ऐसी बात कर लेनी है कि आपको कन्विंस कर लेना है। नीड ऑफ फॉलो अप इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब वो आते हैं फॉलो अप में, हमने उनको इन आउट देखा होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अंदर बाहर से हमने देखा होता है उनकी इमोशंस को, उनके बिहेवियर को, उनके मूड को, उनके थॉट्स को। जब हमारे पास वो लगातार 3 महीने रहते हैं तो हमने बहुत करीब से उनको जाना होता है। और फॉलो अप का मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे करेक्टर डिफेक्ट्स रह जाते हैं उन पे वर्क करना होता है। जब वो घर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि अब कौन कौन सा बिहेवियर है जो रह गया है, कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स होते हैं,
कुछ को मॉर्बिड इलनेस जैसे मैम ने बताई है, किसी को मूड डिसऑर्डर है, किसी को एंजाइटी है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को बाइपोलर है, किसी को स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो जब वो आपके पास घर जाते हैं कुछ देर के लिए, तो आपको भी दिखता है कि कौन कौन सी चीजें अभी रह गई हैं। हमेशा ये बात की जाती है, एब्सिनेंस होती है कि नशा नहीं कर रहे, हमें एब्सिनेंस नहीं ढूंढनी है। एब्सिनेंस तो कई बार साल भर रह जाती है, साल भर भी हमारा लव्ड वन, हमारा पेशेंट नशा कोई नहीं करता, लेकिन सोबेरिटी हमें ढूंढनी है। सोबेरिटी में कि एब्सिनेंस भी है, नशा भी नहीं कर रहे और अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे भी काम कर रहे। और इसमें ना हमेशा एक बात की जाती है, बात मान रहा है कि मनवा रहा है। अगर आपका लव्ड वन आपसे बातें मनवा रहा है अभी भी, तो वो रिकवरी में नहीं है, फिर वो सोबेरिटी में नहीं है। जिस दिन आपका लव्ड वन मानने पे आ जाएगा, तो उस दिन हमारी रियल रिकवरी है। जब वो मानने पे आ जाएगा, फिर इसको फॉलोअप में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो आपसे मनवाता रहेगा, फॉलोअप पे ता जावांगा जे मैनू गड्डी लाके दोगे, फॉलोअप पे ता जावांगा ते जे मैनू उत्थे जाके काउंसलर्स नू कह के मेरा फोन अलाउ कराओ पहले, फॉलोअप पे ता जावांगा जे तुसी मैनू रोज दे इन्ने पैसे देने शुरू करोगे। अगर ये शर्तें बनवा रहे हैं आपसे, आपके लव्ड वन सभी रिकवरी में। सो नंबर फेज इन रिकवरी इज एब्सटिनेंस, कि जहां पे नशा शरीर में नहीं जा रहा, क्योंकि नशा शरीर में जब नहीं जाएगा तभी उसका पीएफसी, तभी उसकी मत चलनी शुरू होगी। अभी तो मत उसकी हाईजैक है नशे के साथ, तो अब मतलब जब नशा नहीं जाएगा तो नॉर्मल ब्रेन की जब केमिस्ट्री आनी शुरू होगी नॉर्मल एसी में, तो उसकी मत चलनी शुरू होगी। दैट्स नंबर वन, एब्सटिनेंस इंपॉर्टेंट है, बट एब्सटिनेंस नशा नहीं कर रहा ये रिकवरी नहीं है। ये पहली सीढ़ी है, डिटॉक्सिफिकेशन एब्सटिनेंस करने में ही मदद करता है। मेडिसिन आपके एब्सटिनेंस को मेंटेन करने में ही सपोर्ट सिस्टम पीछे से दे रही होती है। एंड देन उसके बाद सोबराइटी वाली स्टेज, सोबर हो जाना। सोबर मतलब कि अब नशा छोड़ के आपके बिहेवियर, आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपके घर वालों को डर नहीं लग रहा आपसे, आपके उठने से बैठने से उनके अंदर एक सहम नहीं है, उनको बात करने में झिझक नहीं है, वो आपकी आंखें नहीं पड़ रहे होते कि करूं कि ना करूं। जब पेशेंट अपने रवैयों पे काम करता, अपने बिहेवियर्स पे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी रूटीन भी चेंज हो जाती है। तब हम कहते हैं कि अब पेशेंट सोबर हो गया। सोबराइटी के बाद रिकवरी की स्टेज आती है। जब तक उसके अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स रहेंगे, इसका मतलब पेशेंट हमारा सोबर नहीं हुआ, तो अभी रिकवरी का सफर तो वैसे ही ऑनगोइंग है, क्योंकि एक करेक्टर डिफेक्ट पकड़ोगे कल दूसरा आ जाएगा। तो मजा किसमें है, जर्नी में ही है। डेस्टिनेशन तो रिकवरी दिख गई है, बट सोबराइटी क्या है, ऑनगोइंग जर्नी है। रोज काम करते रहो, रोज प्रोग्राम में भीगते रहो और रोज अपने आप को आप खिलाते रहो। सो दैट इज सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग आर अनहेल्दी बिहेवियर्स, दैट इज इनेबलिंग प्रोवोकिंग कंट्रोलिंग बिहेवियर। सो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने अपने मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स की बात करनी है, कि हमारे कौन से वो बिहेवियर्स हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है। अब तक हम हमेशा पेशेंट की एक चेकलिस्ट लेके आते हैं, ये नहीं करता, ये ठीक नहीं करता, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, तो इसका मतलब हमारी कौन सी गेम चल रही होती है, सिर्फ ब्लेम गेम। तो अब यहां से शिफ्ट करना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरे से वो कौन से अनकॉन्शियस बिहेवियर्स हो रहे हैं जो उसकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, जो उसकी बीमारी को बिल्कुल कह रहे हैं आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हमारे जो कॉमन बिहेवियर्स जो हम फैमिलीज में हमेशा देखते हैं, वो कौन से कॉमन है, इनेबल करना उसके, वो काम करना उसके लिए, वो एक्सक्यूजेस बनाना आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, या आउट ऑफ हेल्प। हमारा पीछे एम ये होता है कि हम अपने लव्ड वन की मदद कर रहे हैं, बट वो मदद करने के चक्कर में हम उसकी बीमारी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे होते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कहाँ कहाँ कब कब उसको इनेबल किया, जो वो काम कर सकता था क्या मैंने उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस लेने दिए, नहीं लेने दिए, मैंने तो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाई है। अब जब उसने मेरी बात नहीं मानी, तो दूसरे एंड में क्या आया, प्रोवोकिंग। जब वो प्यार से नहीं माना, लाड से नहीं माना, हर जिद कर उसकी पूरी करके नहीं माना,
तो टूवर्ड्स जो एक्सट्रीम जो दूसरा एंड आता है वो क्या आता है, प्रोवोकिंग। अब मेरे अंदर से गुस्सा निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है, फिर मेरे अंदर से उसके लिए ताने निकलते हैं। तो जहां तो मैं हमेशा प्यार में डूल जाती हूँ, जहां मैं दूसरे एंड में हमेशा क्रिटिकल हो जाती हूँ, और तीसरा मैं बिल्कुल स्पाई करना शुरू हो जाती हूँ, पुलिसिंग में आ जाती हूँ कि मैं उसके हर बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से वो उठे, मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से बैठे, मेरे हिसाब से घर जाए। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी को कंट्रोल करें और वो उसका आपके साथ रिश्ता ठीक होगा? जिनको आप प्रोवोक कर रहे हैं, जिनको आप कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब इन रिटर्न आप क्या दे रहे हैं उनको? बैड फीलिंग्स। तो जिस रिश्ते में आप बैड फीलिंग्स देंगे, क्या आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है कि मैं अपने उन बिहेवियर्स को चेक करूं कि वो इनेबलिंग की तरफ तो नहीं है, प्रोवोकिंग की तरफ तो नहीं लेके जा रहे, कंट्रोलिंग की तरफ लेके क्यों नहीं जा रहे? मेरे और उसके बीच में हेल्दी रिश्ता क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ये तो मुझे पता ही नहीं है। बात की कैसे जाती है, हेल्दी कम्युनिकेशन होती क्या है, ये स्किल तो मैंने सीखी ही नहीं है। सो यहाँ पे आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों को आप छोड़ के एक हेल्दी कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब होता है हर चीज मानी जानी, हर बात मानी जानी। और आपको ये बता दें कि इनेबल कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझ के बीमारी की तरफ नहीं धकेलना चाहते। कोई भी फैमिली मेंबर, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, कोई भी बीमारी में अगर हुए तो जान के नहीं करते। इनेबलिंग हम दो तरह से करते हैं। नंबर वन होती है लैक ऑफ अवेयरनेस, इनोसेंट इनेबलिंग बोलते हैं इसको, कि पता ही नहीं चलता मैंने कब इनेबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, एक बच्चे को माँ मना कर रही है किसी चीज के लिए, तो फादर ने उसको हाँ कर दी, तो उसको पता ही नहीं है, बच्चा खुद कंफ्यूज है, इसने हाँ कर दी और इसने ना कर दी। तो इनोसेंटली हमने इनेबल कर दिया कि हमारी इंटेंशन नहीं है बच्चे को खराब करने की, हमारा कोई इरादा नहीं था उसको खराब करने की। इनोसेंटली आउट ऑफ लव कह लो, आउट ऑफ अटैचमेंट कह लो, बच्चे ने पैसे मांगे हमने दे दिए, हमने बाद में उससे ये पूछा नहीं कि पैसे किस लिए चाहिए थे, जनरली दे दिए कि हाँ आजकल बच्चे बड़े हुए हैं कोई बात नहीं कुछ नहीं होता। दूसरी इनेबलिंग हम करते हैं आउट ऑफ फियर, डर के मारे। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें बताया है हिस्ट्रीज में कि मैम हमें पता ही नहीं होता था कि इसको इनेबलिंग कहते हैं, हम आउट ऑफ फेयर दे देते थे कि अगर हम नहीं देंगे पैसे तो या तो ये चोरी करेगा या ये किसी से उधार मांगेगा, और हम नहीं चाहते कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस में जाए, इसलिए हमने दे दिए। तो इनेबलिंग या तो हम डर के मारे करते हैं, इनोसेंटली करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। और जब इतनी इनेबलिंग कर चुके होते हैं, बहुत सारी बारी आपने सुना होगा फादर कहते हैं तेरा ही कुत्ता होया वे, तेरा ही बिगाड़ा होया, तू चेक नहीं रखिया, तू इन्हें पूछा नहीं, तू हर वेले नहीं दे देंदी सी, तू कभी इन्हें रोकिया नहीं, टोकिया नहीं। तो कोई माँ एक्चुअली चाहती नहीं है, कोई एक एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात है अपने बच्चे को नशे वाली बीमारी में देखना या किसी भी बीमारी में देखना, कोई माँ नहीं चाहती। लेकिन उनको पता नहीं होता कि उस टाइम पे उनको क्या चेक रखना है, ये नहीं पता होता। और जब इनेबलिंग कर करके थक जाते हैं, जैसे मैम ने कहा, फिर प्रोवोकिंग आती है, या फिर हम उसको बांध के रखने की कोशिश करते हैं, कमरों में बंद कर देते हैं। एक बारी हम यहां पहुंचा देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर कुछ देर बाद जब हमें पता लगता है तो उसको नीचे लाके बिठा देते हैं, फिर गाड़ी की चाबी भी ले लेते हैं, फिर उसे पैसे भी लेते हैं, फिर बिल्कुल ही बाहर नहीं जाने देते। इस तरीके से इलाज नहीं होता। इलाज के लिए प्रॉपर टेक्निक होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, फिर जाके होता है। तो हमें पहले अपने बिहेवियर चेक करने हैं, क्या मैंने अपने लव वन के साथ ये वाले बिहेवियर्स करे? अगर किए हैं तो अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्दर? जब यहां से मेरा लव वन घर चला जाएगा फिर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं कैसे असर्टिवली ना बोल पाऊंगा या ना बोल पाऊंगी? असर्टिव कम्युनिकेशन हमें सीखनी है। शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव बिहेवियर। So, उसी पॉइंट को इन कंटिन्यूएशन रिएक्टिव बिहेवियर होता है कि जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं, बिना सोचे समझे अपनी इम्पल्स पे काम करना शुरू हो जाते हैं। सो अगर हम आज तक देखें कि हमारा रिश्ता रिएक्टिव था, हम गुस्से में रहे हैं हमेशा, जो सोच आई हमने फिर खाने की प्लेटें फेंकी,
एक दूसरे के साथ दो की चार बातें सुनाई, पुरानी सारी बातें हम लेकर आए, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, इसे हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। जब आप हर टाइम पे हम कहते हैं कि इसके तो नाक पे गुस्सा बैठा हुआ, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कैसे डीलिंग होगी, हमारी कैसे बिहेवियर हो गया, रिएक्टिव अग्रेसिव इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे हम भी ताड़फाड़ करने में ही बिलीव करते हैं। हमें आता ही नहीं है प्रोएक्टिवली कि ठंडे दिमाग से इस सिचुएशन में इसको क्या जवाब दे, इसको कैसे हैंडल करें, इसके साथ कैसे बात करें। अब वो जब पी के रात को आता है नॉक नॉक करता है, हम तो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। जब एक इंसान रात को 12 बजे आया और वो ड्रिंक किया हुआ है, क्या आपका टोकना, आपका लेक्चर देना, आपका बेइज्जती प्रोग्राम करना, क्या उसके ऊपर कुछ असर लेके आएगा? हम तो तभी शुरू हो जाते हैं। That's called reactive approach. फिर हम चार रिश्तेदारों को खड़ा करते हैं और फिर अगली सुबह हम उसकी पूरी बेइज्जती करते हैं। That's called reactive approach. क्या हमने प्रोग्राम के हिसाब से इंटरवीन किया कि जब उसका नशा उतरा हमने आए, मुझे बुरा लगा, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझसे तुम्हारा ये पीना नहीं देखा जा रहा, मुझे तुम्हारे ये हेल्थ के क्राइसिस नहीं देखे जा रहे। और हमारी रिएक्टिव अप्रोच हमेशा कहती है तुम ऐसे, तुमने ऐसे किया, तुमने ये किया, हम तू तू पे आ जाते हैं। क्योंकि हमारे जब हम अपनी वाइफ से फैमिली हिस्ट्री में बात करते हैं, रिएक्टिव अप्रोच में थी सी सेट वाइफ की, मैम मैंने भी फिर हिट किया जब इन्होंने पी हुई थी, जब ये मुझसे फिर बात कर रहे थे तो मैंने भी चार चपेड़े लगा दी। ये अप्रोच क्या है? रिएक्टिव अप्रोच। क्योंकि हम बीमारी को बीमारी की तरह देख ही नहीं रहे, क्योंकि हर किसी भी आप बीमारी में देखो कि हम कभी भी बीमारी को तू तड़क करके नहीं बोलते, वहां पे हमेशा रिस्पेक्ट होती है, रिगार्ड होती है, कंसर्न होता है। और इस बीमारी में हमेशा हमारी अप्रोच क्या होती है? बिल्कुल हॉस्टाइल, इनडिफरेंट, क्रिटिकल, गंदी। सो जब तक हम इस अप्रोच को शिफ्ट नहीं करेंगे कि वो एक बीमार इंसान है और मुझे अपने रिएक्टिव बिहेवियर से मैं एकदम पैनिक कर जाती हूँ, वो कोई बात कहता है मतलब वो ऐसी गैस लाइटिंग करता है, ऐसी तिल्ली लगाता है और मैं पंबर की तरह फिर बिल्कुल मचती हूँ, दैट्स कॉल्ड रिएक्टिव बिहेवियर। कोई कह रहे ना कि आपके हस्बैंड को फलाने बार पे देखे, आप वहीं पे जुत्ती डालते हो और उसके पीछे निकल जाते हो और वहीं बाहर पे बार पे पहुंच जाते हो। ये नहीं किया हम सब ने, चप्पल डाल डाल के पीछे 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 ढूंढा है हमने, दैट्स कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच। हमने इंटरवीन कैसे करना है कि जब उसका नशा उतरेगा कैसे उसके साथ बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव बिहेवियर। कि प्रॉब्लम है, आप परेशान हो, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, पर परेशानी का हल क्या हो रहा है? सिर्फ तू तू मैं, और उससे हल नहीं निकलने वाला। सो जब तक हम एक प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेंगे, ये तू तड़क नहीं होगा और उसमें बीमारी राज करेगी। क्योंकि बीमारी का पॉलिसी क्या है? डिवाइड एंड रूल, लड़ो और बढ़ो। वो आपको लड़ाएगा, आपको नाराज करेगा। आपने देखा कि आपने बात नहीं की, आपने चार दिन नहीं बुलाया, उन्हें फर्क पड़ा, वो तो मस्त है अपनी बॉटल में, वो तो पहले ही चाहते हैं कि मुझसे कोई पूछे ना, मुझसे कोई टोके ना, अच्छे अभी बुला नहीं रही, पूछेगी भी नहीं, तो अब तो मैं अपना काम और इजी कर सकता हूँ। ये हम सबने एक्सपीरियंस किया एज अ फैमिली, ये रिएक्टिव अप्रोच है। क्योंकि स्टोन वॉलिंग, टॉक्सिक शेम इंड्यूस करना, क्रिटिकल रिमार्क्स उसको देने, उससे बीमारी नहीं होगी। ये रिएक्टिव अप्रोच थी आपकी, इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही का चिमब्रेन एक्टिव हुआ हुआ, आप भी अपनी मत से काम नहीं ले रहे। जब किसी को हार्ट की कोई सर्जरी की जाती है या स्टेंटिंग की जाती है और आफ्टर सम टाइम, मेबी आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, आधी रात को 2 बजे आपका लव्ड वन कहता है मुझे पेन हो रही है चेस्ट में, तो हम क्या करते हैं? हम गालियां निकालते हैं, गुस्सा करते हैं, कोसते हैं, 2.5 लाख लग गया, 5 लाख लग गए तेरी स्टंटिंग ते, तेरी आज भी पेड़ होने लग पी है। हमने कभी ऐसा बोला? कभी नहीं बोला। लेकिन जब हमारा लव, देखिए एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ स्लिप और रिलैप्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड, कभी स्लिप करेगा कभी रिलैप्स करेगा और हम बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं ये सिम्टम्स फिर से आने लग पड़े, हाय रब्बा एक ही बन गया, हम की करांगे। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है जैसे अगर आधी रात को आपके लव्ड वन के सीने में दर्द होती है 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, तो आप फटाफट से वहां पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है, कॉल इन एमरजेंसी,
आप कॉल करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, फटाफट से लेके जाते हैं, गाड़ी में बिठा के इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इन द सेम वे अगर हमारा लव्ड वन स्लिप या रिलैप्स होता है तो प्रोएक्टिव बिहेवियर होगा, इमीडिएटली काउंसलर से बात करें। हमें आती है रात को कॉल्स, 12 बजे मैम को कल भी आई थी, परसों भी आई थी, मुझे रात को कई बार 2 बजे आती है, 3 बजे कॉल आती है। तो आपने इमीडिएटली कॉल करके हेल्प सीक करनी है एंड इंटरवेंशन करनी है। जब आपके लव्ड वन को आफ्टर हार्ट सर्जरी 6 महीने बाद छाती में दर्द हुआ तो आपने इंटरवीन किया, इसको इंटरवेंशन बोलते हैं। नंबर आपके फोन में फीड होता है हार्ट स्पेशलिस्ट का, उसको कॉल करके आप फटाफट से डॉक्टर के पास लेके गए। इन द सेम वे यू हैव टू डू इट कि जब आपको लगता है स्लिप हो गया, रिलैप्स हो गया या कोई बिहेवियर ही आ गया तो आपने इमीडिएटली हेल्प सीक करनी है। प्रोएक्टिवली आपने तैयारी करके आपने लेके आना है अपने लव्ड वन को। हमारे पास यहाँ पे एक फैमिली भी बैठी है, इट्स बीन 2 ईयर्स वो हमारे साथ जुड़े हैं। द मूवमेंट पेशेंट का कभी एडिक्टिव बिहेवियर जहाँ उससे स्लिप हो जाता है, दे डोंट वेट, चाहे वो आधी रात हो, शाम हो, किस टाइम पे भी हो, वो गाड़ी में बैठते हैं और फोन आ जाता है कि हम आ रहे हैं। दैट शोज ये प्रोएक्टिव कॉल आता है हमें कि मैम हम 10 बजे पहुंचेंगे, कितने बजे निकल रहे हैं, हमें अकोमोडेट हो जाएगा। ये होता है प्रोएक्टिव बिहेवियर और ये कहीं ना कहीं इसको हम सरेंडर भी बोलते हैं, ट्रस्ट एंड फेथ भी बोलते हैं टूवर्ड्स द ट्रीटिंग टीम। अगर हम ये समझते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है, अगर वो एक बार ही ठीक हुआ है इसका मतलब वो बाद भी ठीक हो सकता है, ये इसके बिहेवियर्स हैं जो हमें भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। फैमिली को मैंने बोला ना कनिंग बाफलिंग एंड पावरफुल डिजीज है, तो फैमिली कहीं ना कहीं इंटरैक्ट कर देती है। आज मैं कहीं सुन रही थी तो उसमें था कि ट्रस्ट, हम कितनी जल्दी ट्रस्ट करते हैं, जितनी बारी उसने कसमें खाई हैं, आपके बच्चों की कसमें खाई हैं, बाबा जी की कसम खाई है, अब मैं नहीं करूंगा, मौका दे दो, हमने कितनी बारी ट्रस्ट किया? इन्यूमरेबल टाइम्स, बहुत बारी। और वो ट्रस्ट करने से क्या हुआ? टूटा, वो ट्रस्ट हमारा टूट गया, फिर हम भी टूट गए। हमने ये नहीं है कि बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करना ठीक है, लेकिन बीमारी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें भी कई बार कहते हैं मैम तुसी विश्वास नहीं करते साढ़े, हम कहते हैं आप पे तो बहुत विश्वास है, पर ये बीमारी बड़ी कनिंग बैफलिंग है, बीमारी पे हमें विश्वास नहीं है। सो अगर हम जुड़े रहेंगे, समझेंगे अपने बिहेवियर्स को, उनके बिहेवियर्स को, तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आपने तभी नंबर वन पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने अबंडेंट नॉलेज इस बीमारी की ली है तो फिर आप पेशेंट के स्लिप से, उसके रिलैप्स से घबराएंगे नहीं। हर एक बीमारी में एक डायबिटिक पेशेंट, उसकी दवाई चल रही है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन चेंजेस इन लाइफस्टाइल, उसकी कभी शुगर कम हो जाती है जहां रात को बढ़ जाती है, तो क्या हाय तौबा मच जाती है? आप क्या कहते हैं कि लेट्स गो टू डॉक्टर, एक बार रिव्यू करा लेते हैं कि इंसुलिन के डोज क्या है। फिर इस बीमारी में इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है? हम इतना एब्सोल्यूट लेके चलते हैं कि हमने जैसे भेजा ये बिल्कुल अब बिल्कुल कोरा नकोर होके आ जाए। इट टेक्स टाइम, और बीमारी में स्लिप हो गया, रिलैप्स हो गया, दैट डज नॉट मीन्स की रिकवरी खत्म हो गई, एंड हो गया। अब मतलब हमारे कर्म खराब, उसके कर्म खराब, सारा पैसा बर्बाद, हमारे अंदर से ये क्यों आती है स्टेट? ये बड़े दुख की बात है, ये जो मैम ने बोला ना, इतनी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम बाकी बीमारियों में, हम जैसे मर्जी पैसे खर्च करें, जो मर्जी कर ले, हमें होता है बस बंदा बचा लिए किसी तरीके ना, चाहे वो हार्ट की सर्जरी है, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट है। आई हैव सीन फैमिलीज जिनके कैंसर पेशेंट्स में उनके सब कुछ बिक जाता है, घर तक बिक जाते हैं, फिर भी वो लगे होते हैं किसी तरीके से बंदा बच जाए। इसको बीमारी को हम इतना क्यों नफरत करते हैं और क्यों ऐसे कहते हैं? मतलब बाकी बीमारियों में हम नफरत नहीं करते एक्चुअली, हम ब्रेन को शायद अपना ऑर्गन मानते हैं, बाकी हमारे अंग हमें लगते हैं कि वो हमारे बिल्कुल अपने हैं, ये बेचारा सतेला आ गया। बाकी किसी बीमारी में हम नफरत नहीं करते कि कैंसर हो गया तो यह हो गया, ना ही हम पेशेंट को कोसते हैं। इस बीमारी को हम इतना नफरत वाली निगाह से देखते हैं और अपने पेशेंट को कोसते हैं और खुद को कोसते हैं, अपने कर्मों को भी कोसते हैं, उसके कर्मों को भी कोसते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करें भी बीमारी है, बीमारी कोई भी लग सकती है,
हमारे लव्ड वन को ये लगी है, किसी के लव्ड वन को कोई और लगी है। स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं आपके सड़क पे, मैंने नहीं कोई सड़क देखी बिना स्पीड ब्रेकर के हो, तो उसकी रिकवरी के जर्नी में भी स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं, स्लिप हो सकता है, उसके एडिक्टिव बिहेवियर्स आपको दिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक जाऊं, बस खत्म हो गया, मैं थक गई हूं। नॉर्मली कहते हैं मैम बड़े साल लाते फोन है, आप जो करना चाहते हैं आप पे करें। व्हाई दिस एटीट्यूड? आप पहले तो अपने एफर्ट्स गलत दिशा में लगा रहे थे इसलिए थक गए हैं, जब सही दिशा में लगाने के लिए आए हैं तो आप कहते हैं 1 2 3 गो, बिल्कुल अब सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं होता, रात को भी दिन में बदलने में 8-10 घंटे लगते हैं। आप देखिए चेंजेस नहीं दिखते, जो इंसान रोज पी रहा था सुबह उठ के उसके अंदर बेचैनी छिड़ जाती थी, आज वो यहाँ पे बैठा है वो नहीं पी रहा। जो यहाँ से पेशेंट हम जाते हैं, मैं कहती हूँ कि आप छोटे छोटे चेंजेस को चेरिश करना शुरू करें, कि वो दिन में पूरी बॉटल पीता था, आज उसने बिना बॉटल के दिन निकाला, आज आपके साथ बैठ के आपका हाल पूछ लिया, आप किससे बात कर ली है। ये चीजों को आप वैल्यू क्यों नहीं करते हो? आपका सिर्फ फोकस होता है नशा कर रहा था नशा नहीं करा, पी रहा था नहीं पी रहा था, सिर्फ प्राइम फोकस नशे के इर्द गिर्द क्यों है आपका? आपके अंदर वो हेल्दी बिहेवियर्स क्यों नहीं आते? उसके अंदर मायूसी है, उसने अपनी लाइफ की बेस्ट थिंग छोड़ी है, वो नहीं खुश है, वो नहीं बता पा रहा, आदतन उसका मूड वैसे ही खराब रहता है, और जिससे वो ठीक करता था वो भी हमने ले ली है। कैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हो कि वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की जगह हंसे बैठे बात करे? आपके अंदर स्किल्स आए, आप उसकी पेन को समझ पा रहे? भाई 6 से 8 बजे रोज वो क्लब बैठा होता था, 20 साल से बैठ रहा, आज 6 से 8 उसका मुश्किल कितना है वो टाइम? फिर हम कहते हैं गाली नहीं करता, ऐसे बिल्कुल चुप करके बैठे। अंडरस्टैंड, एम्पथी करना सीखो कि 20 साल से वो इंसान उसकी लाइफ में उसका वो हिस्सा था, वो उसको खुशी देता था, पेन तो अब देनी शुरू की है पिछले 4-5 सालों में, तो वो 6 से 8 उसका जो टाइम था, जब आप उसमें कह रहे हो आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया उस टाइम को भरने के लिए? जब हमारा मूड खराब होता है तो हम क्या करते हैं? इरिटेट होते हैं, हम कहते हैं हले ना गाल करो, दिल नहीं कर रहा मेरा गाल करने का। तो यहाँ पे ये बीमारी मूड डिसऑर्डर की है, कि जो मैम इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना, उनका उस टाइम पे वो क्रूशियल टाइम होता है, क्रेविंग्स जिसको बोलते हैं, किसी का सुबह उठते होता है, किसी का दोपहर को होता है, किसी का शाम को होता है, कईयों का रात को होता है, और वो जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम उनका क्रेविंग का होता है, उस टाइम पे उनका मूड खराब होता है, फिर उनका दिल नहीं करता बात करने का। आप लोग चाय पीते हैं? एवरीबॉडी चाय पीते हैं? चाय आपको उस टाइम पे ना मिले फिर क्या होता? बेचैनी होती है चाय से, बेचैनी सिर भारी हो जाता है, यू गेट इरिटेबल, हिम्मत ही नहीं आती नेक्स्ट काम करने की। ऐसे ही वो बड़े लोग बोलते हैं पहले चाय देते फिर टच चलाएंगे, आई हैव सीन दैट, कि वो बेड से नहीं उठते। तो आप देखिए अगर चाय पे हमारी डिपेंडेंसी हो सकती है, तो ये तो इतना बड़ा केमिकल था 1000 times जिसने उनको तारे दिखाए, दिन में तारे दिखाए। हम तो भी 2-2.5 साल बोलते हैं अभी आपको ऑन एन एवरेज, जिसने 20 साल एक नशा किया है, 10 साल किया है, तो हम 10 महीने भी नहीं दे पा रहे उनको समझने के लिए। ये उनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनकी एंजाइटी, उनकी बेचैनी, उनकी सोचे, उनकी यादें इतनी जुड़ी होती है नशे के साथ, हर एक छोटी चीज में तो उनकी याद है। गाड़ी अपनी पकड़ेंगे, गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, अपना फोन पकड़ेंगे, हाथ फटाफट से नंबर पे चला जाता है, फटाफट से ड्रग पैडलर डीलर या फ्रेंड को फोन करने के लिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है। अगर उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फोन उनके सामने आ जाएगा, तो फोन उनका ट्रिगर है, फोन देख के उनको याद आ जाएगी कि मैंने तो बात करनी थी। तो हम ये समझे कि उनकी बेचैनी कितनी ज्यादा है, अगर उनकी बेचैनी हम, अगर आप सिर्फ इतना कह दें वी आर अंडरस्टैंडिंग योर पेन एट दिस टाइम, ये जो आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चलो लेट्स डू समथिंग फॉर दिस, अच्छा कुछ खा लेते हैं, अच्छा चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, अच्छा चलो एक चक्कर लगा लेते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो वैल्यू ऑफ टाइम और अपने बिहेवियर्स को। और हम क्या करते हैं, हम पता है मैंने तेन ना तोड़ लगती भी है, टाइम हो गया ना इस तरह की, वो टिपिकल पंजाबी वर्ड्स, तेरा बूथा ही सुजा रहना, मतलब व्हाट इज दिस,
मतलब आप पेशेंट से अपने लव्ड वन से मतलब उसने नशा छोड़ा है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी पेन को अंडरस्टैंड करें, आप तो और उसको स्विच बो के आगे तेरा हाल ही रहना है। तू कल ही तू बंदे का पुत्र ही नहीं बनना कि हंस के दिखाते दे तेरे चेहरे पर रौनक ही नहीं आनी। मतलब अंडरस्टैंड दैट कि किसी की चीज खोई गई है उसकी लाइफ से, वो उस पेन में है और आप जाके उसको पेन को हम बांटते हैं कि और जाके सेफ्टी पिन के साथ प्रिक करके आते हैं। अंडरस्टैंड ये छोटी छोटी बातें आपकी बहुत मैटर करती हैं कि जब वो उदास बैठे वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप बात कर लीजिए। जैसे ग्रीफ होता है ना, ग्रीफ किसी लव्ड वन के जिंदगी से जाने से ग्रीफ होता है, हमारे अंदर दुख होता है, वो वाला ग्रीफ हमारे लव्ड वंस के अंदर है क्योंकि उन्होंने उनको जिस चीज की इतनी आदत पड़ चुकी थी, जितना उन्होंने इतना अपने एडिक्शन को या अपनी अल्कोहल को यूज किया है, जहां मैं एडिक्शन की बात कर रही हूँ, जिनके लव्ड वंस यहाँ पे एडिक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ थॉट्स के कारण है, वहां पे वो सोचें आती हैं, तो हम उसको समझे कि उनकी बेचैनी कितनी है, कितना ज्यादा अगर कोई लव्ड वन चला जाता तो हम कितने दुख में होते हैं और हम स्टेजेस में से गुजरते हैं, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस आती है। ऐसे ही इनमें पहली डिनाइल आएगी, फिर एक्सेप्टेंस आएगी, उसको टाइम लगना है। मतलब दैट सब्सटेंस हैज बीन, चाहे वो उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल था। पार्ट एंड पार्सल मींस सुबह उठे तो चाहिए, कोई प्रमोशन हो गई, खुशी की न्यूज हो गई, एनिवर्सरी आ गया, पार्टी आ गई, पहली चीज क्या कहते हैं रखनी। उदास है तो उनके लिए वो क्या है, रेस्क्यू करने के लिए, उनका सपोर्ट सिस्टम, उनकी दर्द को कम करने के लिए। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, उनको सहारा किसने दिया, अल्कोहल ने। फिर बोर हुए, किसने उनको कंपनी दी, अल्कोहल ने। तो इर्द-गिर्द उनकी जिंदगी में कौन घूमा, उनकी सब्सटेंस, चाहे वो खुशी थी, चाहे गमी थी, चाहे खालीपन था, चाहे दुनिया की बेइम्तिहान उनको कोई लॉटरी मिल गई थी, हर जगह उन्होंने फर्स्ट किसको देखा, वो उनका बेस्ट फ्रेंड था। विलन तो हम सब है उनकी लाइफ में, जो परसेप्शन चेंज होगा आगे जाके, फिलहाल तो यही है ना, खुशी में, गमी में, उदासी में, खालीपन में, मेरा साथी मुझसे लिया गया। अगर वो ठीक रहता तो हम बीमारी में ना बदलता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट आदतन मूड खराब था, मूड को ठीक करने के लिए हमने जो चीज ली वही हमें अंदर से दिमाग की तरह खाई जा रही है। ट्रांजेक्शन तो ये हो गई जिसके कारण अब हमें छोड़ना पड़ा, इलाज कराना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली लोगों का मूड खराब होता है, वो कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उनका मूड ठीक हो जाता है, अब यहाँ पे मूड ठीक होने की जगह सुपर अपसेट हो गया। एक्चुअली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी भी है क्विक फिक्स की, क्विक फिक्स से समझते हैं, क्विक फिक्स जो चिपक जाती है, ऐसे हमारा हाथ भी चिपक जाता है उससे, हमें होता है फटाफट से कोई सोल्यूशन मिल जाए, जल्दी से ये जो प्रॉब्लम आई है जल्दी से ठीक हो जाए, फटाफट से ठीक हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके लिए क्विक फिक्स उनका सब्सटेंस, उनका उनका जो सब्सटेंस है, अल्कोहल है या उनकी ड्रग्स है, सब्सटेंस है, ये उनके लिए क्विक फिक्स है। उनकी लाइफ में कुछ भी होता है, खुशी गमी, उनको फटाफट से, अगर कोई उनको मूड अपसेट होता है ना तो उनसे वो सहा नहीं जाता, अगर उनको एंग्जायटी होती है तो उनसे सहा नहीं जाता, उनको होता है मैं अभी के लिए फटाफट से आराम ले लूं, थोड़ा सा कुछ लेके बाद की बात देख लूं, तो वो क्विक फिक्स उन्होंने सीखा हुआ है। इतने सारे हमारे जैसे मामले में बताया, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई उदासी है, कोई अचीवमेंट है, हमारे एक लव्ड वन थे वो 6 मंथ्स ठीक रहते थे और बहुत अच्छा ठीक रहते थे, कोई स्लिप, कोई रिलैप्स नहीं होता था। 6 मंथ्स बाद जब वो अपने बिजनेस में हाई अचीव कर लेते थे वहीं पे उनका रिलैप्स हो जाता, ये उनका पैटर्न बना हुआ था हमेशा। और वो कहते थे कि जब मैं सक्सेसफुल होता हूं तो मुझे लगता है अब तो मैं डिजर्व करता हूं इतने सा कुछ लेने के लिए, मैंने तो इतनी सी लेनी है, 30 ml ही लेनी है, पर वो उस टाइम पे ये भूल जाते थे कि वो 30 ml के लिए भी नहीं बने हुए, क्योंकि वो उनकी अब बॉडी की कैपेसिटी, ब्रेन की और बॉडी की है ही नहीं कि वो 30 ml तक रहेंगे, वो आगे बोतल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और ये पर्टिकुलर पैटर्न था। अब आप देखिए कि किस तरीके से हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ नशा इतना पास से करीब से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन चीजों को समझेंगे तब हम ठीक कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका लव्ड वन, वो वाला रिश्ता अब आप साइड पे रख दें कि हस्बैंड है, बेटा है,
भाई है, क्या है? आप ये याद रखें कि वो एक मरीज है और मरीज के तौर पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हमें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए जो प्रोएक्टिव अप्रोच है हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर जाकर भी ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ सकती है एज अ पेशेंट, वो ये कर सकता है, तो उसके लिए आपने अपनी तैयारी करनी है, अपने थेरेपिस्ट से बात करनी है कि आपको क्या करना है। मतलब यू हैव टू प्रोएक्टिवली वर्क ट्रिगर्स पे, उनका ट्रिगर क्या है। हम जब अपने देखते हैं यहाँ पे केसेस में तो ट्रिगर दिखता है कि 7-8 महीने के बाद जब वेकेशन आती है आर पेशेंट इज इनटू रिलैप्स, वहां जाके स्लिप हो जाता है उनका। तो हर किसी को प्रोएक्टिवली काम करना है कि मेरे लव्ड वन का ट्रिगर क्या हो सकता। संडे ट्रिगर हो सकता है क्योंकि काम करने के लिए कुछ नहीं है, शाम ट्रिगर हो सकती है, हमारे लव्ड वन का सैटरडे ट्रिगर है, वो उनको हम सैटरडे संडे भी यहाँ पे बुलाते हैं, उनका ट्रिगर ही सैटरडे करने, साढ़े का सैटरडे आने तूफान मच जाता है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है क्योंकि वो सैटरडे संडे ही ज्यादा पीते, क्योंकि सैटरडे नाइट जब वो गाना आया था ना, सैटरडे नाइट डीडीडा वो वाला इंग्लिश गाना, उसके बाद सैटरडे सबसे फेमस हो गई थी नाइट कि आप 6 दिन काम करो और सैटरडे को आप पूरा अपनी पूरी जंग की प्राइड में जाओ। तो वो सैटरडे सबके लिए, वीकेंड्स दे आर ट्रिगरिंग, घर में शादी आ रही है, ये आपको देखना है। बिजनेस हो सकता है ट्रिगर कर रहा है, कोई रिश्ता ट्रिगर कर सकता है, किसी की बात ट्रिगर कर सकती है, वो क्या है, और उसके लिए प्रोएक्टिवली आपने कोई प्लान बनाया थेरेपिस्ट के साथ बैठ के कि मैम ये ट्रिगर्स मुझे नजर आते हैं, क्योंकि पैरेलली हम उनके ट्रिगर्स पे भी काम करते हैं, बट क्योंकि आप उनके साथ रहे हो तो कुछ ट्रिगर्स आपको भी तो दिखते होंगे कि ये दोस्त को देख के ट्रिगर हो सकते हैं, इस सिचुएशन पे ट्रिगर हो सकते हैं। लेट्स प्रोएक्टिवली वर्क ऑन दोस ट्रिगर्स। Then you have to alter unhealthy behaviors of yours. Codependency पे हमने बहुत बार बात की है। Codependency, हम रोगी हैं। हम अपने पेशेंट के साथ रह रह के हम रोगी हो जाते हैं। वो खुश तो हम खुश, वो उदास तो हम उदास, वो बात नहीं कर रहा तो हम बात नहीं कर रहे, हमारा पेशेंट खाना नहीं खा रहा तो हम खाना नहीं खा रहे। Codependency इतनी ज्यादा होती है कि हम चुंबक की तरह होते हैं अपने पेशेंट के साथ और हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर होता है। हम अपने लव्ड वन को कभी भी उसकी जिम्मेदारियां नहीं लेते। हमने अपने कोडिपेंडेंट बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है और अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर आके उसको स्ट्रेंथ देनी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। हर वक्त हमने स्पून फीडिंग नहीं करी जानी हर चीज के लिए। मतलब मैंने अपने रिश्ते के लिए ये जो है मर मिट नहीं जाना, क्योंकि ये मर मिटने को हम बहुत ही पेडेस्ट्रल पे चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये जब हम 7 हैबिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोडिपेंडेंसी के टर्म को निकाल के इंटरडिपेंडेंसी की बात की जाती है, जहां पे म्यूचुअल गिव एंड टेक की बात हो रही है कि एक रिश्ता कुछ गिव करे तो दूसरा रिश्ता टेक करे। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड डिपेंडेंसी में क्या होती है कि एक इंसान सिर्फ गिवर मोड में, गिविंग मोड में है और दूसरा हमेशा टेकिंग मोड में, तो फिर दूसरे इंसान को लगता है कि मैं अब थक गई दे दे के। तो वो रिश्ता किस चीज को लेके आता है, इनजस्टिस की फीलिंग को लेके आता है। वो लगता है कि ये रिश्ता तो बहुत ही अनफेयर है, अनइक्वल है, तो फिर वो रिश्ते को अगली बना देता है। तो कोडिपेंडेंसी से जब हम कहते हैं कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो हमने इंटरडिपेंडेंसी की तरफ अपने लव्ड वन को चलना है कि हाँ बिल्कुल। हमारे बड़ों में क्या एक चीज बोली जाती है, ठीक है तुसी बस अपना ध्यान रखो, ठीक है तुसी अपनी जिंदगी संवारो, असानू तुहाडे कोलो कुछ नहीं चाहिए। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे, बिल्कुल चाहिए कि बेटा मैं मतलब बुजुर्ग होंगी तो मुझे तो तेरा ही आसरा, तू सिर्फ मुझे तसल्ली कैसे दे सकता है मेरा हाल पूछ के। तू अपनी जब जिंदगी की जिम्मेवारी लेगा तो मैं अपने आप ठीक रहूंगी। जब हम ये कहते हैं ना कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, फिर उसको लगता है कि ना इनके पास बथेरा कुछ होगा, इनको मैं नहीं चाहिए। सर बता रहे थे ना हमने राजा बेटा बनाया होता है, आज ही बात हो रही थी कि हमने राजा बेटा बनाया होता है, मेरा राजा बाबू, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा पुत्र, मेरा सोना पुत्र, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं है। और हम ये कहते हैं हमें तो ऐसे कुछ नहीं चाहिए, तू बस खुश रह, आबाद रह, तू अपनी लाइफ में तरक्कियां कर, आगे बढ़, हमें तो ऐसे कुछ नहीं चाहिए। अंदर से चाहिए होता है, अंदर से पेरेंट्स को होता है हमारे साथ बैठे, थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, थोड़ा हालचाल पूछ ले, पर वो हम इतने कोडिपेंडेंट है
कई बार ये लव एंड हेट रिलेशनशिप में भी आ जाता है कि हम थक जाते हैं प्यार कर करके, फिर हमें गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है, फिर हम बेइज्जती प्रोग्राम में भी आ जाते हैं। तो अपनी को डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करके हम उससे आगे बढ़े। वर्क ऑन योर इमोशनल रेगुलेशन, क्योंकि हम इतने साल बीमारी के साथ रहे हैं तो हमें हमारे इमोशंस भी रेगुलेट नहीं ठीक कर पाते। रेगुलेट क्या मैम? शायद हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते पहले तो। मतलब वो रेगुलेटर गैस का नॉब देखा है, जैसे वो फ्री हो जाए तो अब गैस पे आंच पे वो सब्जी चढ़ा दो कढ़ाई पे, अब ना वो कम हुई ना बिल्कुल एक ही टेम्परेचर पे वो चल रही है नॉब, सब्जी खराब होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम देखते रहते हैं, कभी सिम करते हैं, थोड़ी सी फ्लेम लेकर आते हैं। आजकल हम देख रहे हैं वेदर चेंज हो रहा है तो हम नॉब का क्या करते हैं, एसी की नॉब को हम मतलब टेम्परेचर को मतलब आजकल हम 24-25 पे रख देते हैं, तो दैट मीन्स हम हर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। उसी तरह हम अपने इमोशंस को क्या रेगुलेट कर पाते हैं, हमने तो हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस किया, दबा के रखा, पैसिवली होल्ड करके रखा, हमने तो उनको एक्सप्रेस ही नहीं किया, उनको चैनल ही नहीं दिया। आपने देखा बाथरूम में भी वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, कुकर की सीटी पे भी वो सीटी लगी होती है कि वो भी वेंट आउट कर दे, बट इस बीमारी में हमारा कोई सोर्स ऑफ वेंटिलेशन नहीं होता, तो इसलिए हमारी जो इमोशंस की जो नॉब है वो खराब हो गई है। जब हम आजकल बात करते हैं, हम बार बार आपको बोलते हैं डाटा इंटरवेंशन। डाटा इंटरवेंशन में बेसिकली क्या है, हम आपको ये बोलते हैं कि आपने अपनी इमोशंस, अपनी पेन विद ऑल द इंसिडेंट्स बतानी है, उसमें हमने बेइज्जती नहीं करनी है पेशेंट की, लेकिन जिस जिस इंसिडेंट में आपने उनको उस हाल में देखा था तो अपनी पेन उस टाइम पे बतानी है। और कई बार क्या होता है, जब हम डाटा इंटरवेंशन करा रहे होते हैं तो फैमिली की इतनी अनएक्सप्रेस्ड पेन निकल के बाहर आती है कि उनकी भी हीलिंग हो जाती है, थेरेपी हो जाती है। हमने अपनी सेल्फ हीलिंग तो कभी करी नहीं होती एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, एज अ स्पाउस, हमने अपनी इमोशंस को इतना दबा के रखा होता है, फिर एक स्टेज आती है वो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो हमने सप्रेस की हुई है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स बाहर आती है, क्योंकि हमने इतने सालों साल हमें आदत पड़ी हुई है, हम रेगुलेट नहीं कर पाते। दो चीजें करते हैं, या तो हम एक्सप्रेस नहीं करते या हम ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। ओवर रिएक्टिव होके हम एग्रेसिवली बात करते हैं और दूसरे के पॉइंट को समझ ही नहीं पाते हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट वैलिडेट करना अपनी इमोशन को और दूसरे के भी। वैलिडेट करना मतलब अगर एक छोटा बच्चा आपके पास आया है किचन में और आपको बोलता है मम्मा मम्मा ये बात कुछ भी फलाना, और यहां मुझे डर लग रहा है कुछ भी, हम बोलते कोई नहीं तू बहादुर बच्चा तू बैठ में आनी है उन्हें, तो हमने उसकी इमोशन को वैलिडेट नहीं किया उस टाइम पे। आपका बच्चा आपके पास कुछ कहने आया है, आपने उसकी इमोशन को वैलिडेट नहीं किया। हम अब ऐसे ही अपनी इमोशंस को भी वैलिडेट नहीं करते, वी डोंट गिव वॉइस टू आर इमोशन। वॉइस टू आर इमोशन का मतलब है आपको डर लग रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, कोई गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, आपने किसको बताया कि मुझे ये हो रहा है, आपने किसके साथ शेयर की ये बात, किसी के साथ भी नहीं, और उसका नतीजा है कि हमारी खुद की इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमें मैनेजेबिलिटी नहीं आई लाइफ में, खुद की और हमारे लव्ड वन की भी। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अभी भी इस यहाँ पे भी, इस फोरम पे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने पेरेंट्स हैं या स्पाउस है या ब्रदर सिस्टर्स है कोई भी हमारे लव्ड वन की, अगर आपको अपनी इमोशंस के साथ डील करने में कोई दिक्कत आती है, कम फॉरवर्ड विद योर प्रॉब्लम्स ताकि हम हेल्प कर सकें। मतलब इन द वे तीन चीजें हम अपने इमोशंस को हमेशा कैसे आउटलेट उसका निकालते हैं, दैट इज नंबर वन कि हम हमेशा अपने इमोशंस को नंबर वन सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। नंबर टू हम दूसरे पे निकाल देते हैं, जैसे कोई बड़ा है, स्पेशली यहाँ पे जो वाइफ्स बैठी हैं वो बच्चों पे अपनी इमोशंस का डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं, सारी की सारी अपनी इमोशंस किसी और चीज पे निकाल देती हैं। एंड देन नंबर थ्री हम जो हमेशा रिएक्टिव मोड पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बोल बुलारे पे। तो इन तीन चीजों में अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस इस तरह से ही है, दबाने में, रिएक्ट करने में या डिस्प्लेस होने में, देन सीरियसली यू नीड हेल्प।
एंड आस्क फॉर हेल्प फॉर दिस, कि क्या मेरे इमोशंस, इसको डिसरेगुलेशन कहेंगे, कि क्या मैं इमोशंस को दबा रही हूँ, हमेशा रिएक्ट आउट कर रही हूँ, कि दूसरे पे निकाल रही हूँ, डिस्प्लेस कर रही हूँ। अगर ये तीनों चीजें चल रही है तो क्लियर कट है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन है। रिजॉल्व योर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका फायदा कौन उठाएगा? बीमारी। आप अगर घर में 4-5 मेंबर्स हैं और आपस में आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बीमारी को एक रास्ता मिल जाएगा पनपने के लिए। हमारे बहुत सारे लव्ड वंस कई बार बोलते हैं कि हमने इसलिए नशा दोबारा किया, या हम इसलिए दोबारा फंस गए क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत था, हमसे वो स्ट्रेस देखा नहीं जाता था, हमसे वो मैनेज नहीं होता था। तो अगर हम अपने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, हम अपने लव्ड वंस को भी कराते हैं रिजेंटमेंट इन्वेंट्रीज कराते हैं, अगर हम रिजेंटमेंट रखेंगे आपस में किसी ना किसी बात की, ह्यूमन नेचर है कि जब कभी कोई कंफ्लिक्ट आता है ना, तो हम पुरानी बातों में आ जाते हैं, पुरानी बातों को याद करने में आ जाते हैं, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तुमने इस टाइम पे ये किया था, तुमने उस टाइम पे वो किया था, तो उसको हमें सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट की कोई भी बातें नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, हम इंसल्टिंग बात कोई भी नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे, रादर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, ताकि हमारी खुद की लाइफ और हमारे लव्ड वन की लाइफ बेटर हो सके। अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक जगह पे नहीं खड़े हुए, तो हमारा रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। मैंने एक बहुत बारी एग्जाम्पल दिया, हमारे एक पेशेंट थे, उन्होंने बताया आफ्टर ट्रीटमेंट कि आपने क्या जादू कर दिया है, मैं पहले ना ये दोनों लड़ती थी, मेरी बीवी और मेरी मम्मा, अब आपने पता नहीं क्या इनको सिखा रही है, लड़ती नहीं, मुझे मौका नहीं मिलता शराब पीने का, आगे लड़ती थी, मैं दोनों को ब्लेम करता था, मैं चले जाता था शराब पीने, अब आपने पता नहीं क्या कर दिया, क्या सिखा दिया है, कौन सी ऐसी इनको गुट्टी पिला दी है, लड़ती नहीं आपस में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अगर घर पे ही डॉटर इन लॉ वर्सेस मदर इन लॉ चल रहा है, फादर वर्सेस मदर चल रहा है, जहाँ हस्बैंड वर्सेस वाइफ कोई पुरानी बात को लेके चल रहा है, जहाँ फादर वर्सेस सन चल रहा है किसी भी इशू को लेके, तो उसको रिजॉल्व किए बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते। आई रिमेम्बर सर ने पीछे बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक थेरेपी शुरू कर दो, क्योंकि जब फैमिलीज आती इनके तो अपने ही बड़े वाद विवाद है, इतने घर पे ही इतनी चीजें चल रही है, अब हम पेशेंट पे फोकस करें कि पहले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। सो जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, आप आगे नई शुरुआत नहीं करोगे, तो पुरानी सड़क के साथ आप नई मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। सो ये जो ब्लेम गेम हम चलते हैं, नू वर्सेस सास एंड सो ऑन इन आवर रिलेशनशिप, इसको बंद करना पड़ेगा। भाइयों की भी है आपस में, बहुत सारी है हमें, आपको मैं हम बता दे, हमारा फोकस सिर्फ पेशेंट का नशा छुड़ाना नहीं है, तो ये जो बात कर रहे हैं ना मैम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है, वेरी बिग अचीवमेंट होती है हमारी, जब हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने पे हम कामयाब हो जाते हैं। इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है, इतनी रिजेंटमेंट होती है इस बीमारी में साथ में, कि अगर आपके लव्ड वन ने नशा छोड़ दिया, एब्सिनेंस में आ गए, या उनकी जो भी बिहेवियर इश्यूज है वो ठीक कर लिए, लेकिन उनकी रिजेंटमेंट पे काम नहीं हुआ, तो हम सक्सेसफुल नहीं है, हमारी रिकवरी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो जो रिजेंटमेंट है वो दोबारा कहीं ना कहीं हमें फिर से उस बीमारी की तरफ लेके जाएगी। रिजेंटमेंट क्या होती है? जमीन जायदाद की रिजेंटमेंट होती है, भाइयों की रिजेंटमेंट होती है, इसने मेरा वो ले लिया, इसने मेरा ये ले लिया, इसको ज्यादा जमीन मिलगी, उसको कम जमीन मिलगी, तो हमारा जो पेशेंट का फोकस होता है वो कहीं और ही होता है, फिर वो रिकवरी की तरफ तो रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, और कहीं ना कहीं उस चीज की एंग्जाइटी भी चल रही होती है। हमारे प्रेजेंट भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनका ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू गिव द रियल सेल्फ, रियल पिक्चर, कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि हम बीमारी में है, और बीमारी में रहते हुए हमारे पैराडाइम्स जो है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट है, कुछ चीजें इतनी खराब नहीं होती जो हमें खराब दिखती है, और एज अ फैमिली मेंबर
हम उसको कोडिपेंडेंट होने की वजह से सेकंड भी कर देते हैं कई बारी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल सेल्फ कि है क्या, प्रॉब्लम है क्या, और उसको एड्रेस करना है ताकि चीजें बेटर हो सके. कमिंग नेक्स्ट टू फोकस ऑन सेल्फ केयर. सेल्फ केयर, अपनी केयर करना शुरू करें. आपका रिश्ता आपके साथ भी है. आप मदर हैं, डॉटर हैं, डॉटर इन लॉ हैं. आपका रिश्ता एक रिलेटिव बहुत सारे रिश्तों में बंधा हुआ है जिसका नाम दिया गया है. बट आपका रिश्ता आपके साथ कैसा, क्या आपने अपनी केयर की? हमारा तो ये हाल होता है कि हम जब घर भी जाते हैं, घर पे जाके बैग भी रखते हैं ना, तो पहली चीज बोले मम्मी मैगी बना दो, तो हम अपने लिए पानी भी नहीं पहले पीते, हम पहले जाके मैगी रख देते. आर कनेक्शन टू आर सेल्फ, डज इट मैटर? रिकवरी में ठीक है हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, बट अ लिटिल बिट टाइम इन्वेस्टमेंट किस पे चाहिए? खुद की केयर करने के लिए. क्योंकि आप अगर तंदुरुस्त है, आप अंदर से बिल्कुल हेल्दी है, तो आप सपोर्ट करेंगे. आप अगर बुझे हुए हैं, आपके अंदर वो नहीं है कोई भी रिजॉइसिंग या कोई भी आपकी रेविजिनेटिंग एनर्जी नहीं है, तो वो मुरझाई हुई एनर्जी के साथ आप उनके साथ कैसे डील करोगे? तो आपकी केयर बहुत जरूरी है. कल भी हमारे यहाँ मॉर्निंग मीटिंग में टास्क चल रहा था कि कोई ऐसी 10 आपने नॉन डोपामीन एक्टिविटीज को ढूंढना है, दैट इज सेल्फ सूदिंग, जो आपके लिए अच्छी है. आपके इंटरेस्ट क्या थे, आपकी लाइकिंग्स क्या थी, आपकी हॉबीज क्या थे, आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी, जो इस बीमारी में आके छूट गई. हमने तो लोगों में मिलना कम कर दिया, बाहर जाना निकल दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे. उसने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने भी खाना नहीं खाया. मैंने अपनी ग्रूमिंग को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया. सारा दिन मैं वही एक लूजर बाल बांध के बस हूं. क्या मेरी ग्रूमिंग, मेरी हाइजीन, मेरी ईटिंग, मेरी स्लीपिंग, क्या उस पर मैं फोकस कर पा रही हूं? अगर हम अपनी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अपनी केयर नहीं कर पाएंगे, तो हम इनके सफर में इनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हमने शुरुआत पहली स्टेटमेंट क्या की थी, वर्किंग ऑन मी इज द प्रिंसिपल, कि पहले आपको अपनी केयर करनी है. आप अपनी केयर करेंगे देन आप केयर टेकर का लेबल ले सकते हैं. केयर टेकर खुद अपनी केयर नहीं कर रहा, वो दूसरे की टेक केयर कैसे करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी टर्म. तो इसका मतलब जो केयर गिवर है तो उसको पहले अपनी केयर करनी है, अपने अंदर को पहले उसने बिल्कुल निखारना है, उस अपनी एनर्जीज को री इन्वेस्ट करना है. हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, उनको सिर दर्द हो रही होती है, बीपी बढ़ रहा होता है, प्रॉब्लम आ रही होती है, एंग्जाइटी हो रही होती है. मैडम साडा की है, छड्डो पर, इन्हें ठीक कर दो, बस ए ठीक हो जाएगा ना, जी सारे ठीक हो जाएंगे. हमारे बहुत सारे ऐसी माए थी जिनका बीपी हमने जब चेक किया मीटिंग के दौरान ही 180-200 तक, और हमने जब बात की कि आपने कभी नहीं चेक कराया, आप इतने एंशियस हैं, नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं गा, ये थोड़ा देर बीपी है, कोई गाल नहीं, कुछ नहीं होता है, हो जाना ठीक, सारी टेंशन दे दी गई है मुंडे ने, तुझे ठीक करो, मैं आप पे ठीक हो जाना है. सो केयर, केयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. खाली गिलास से आप पानी नहीं पिला सकते किसी को, आपको वो गिलास पहले भरना पड़ेगा. इन द सेम वे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे अभी हमने इमोशनल रेगुलेशन की बात करी है, कुछ भी आपको इमोशंस आ रही हैं जो मैनेजेबल नहीं है, आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ रहा है, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू कम फॉरवर्ड, और अपना पहले ध्यान रखें. अपना ध्यान रखेंगे तभी हम इनके साथ इनकी हेल्प कर पाएंगे. और इसमें आपका गुस्सा भी है, आपकी इरिटेशन भी है. अगर आप में से किसी को गुस्सा रहता है, इरिटेशन रहती है, और आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, जैसे मैम ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट होती है, ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर होता है. कई बारी हम बीइंग पेरेंट्स की गुस्सा किसी और चीज पे होता है और छोटे बच्चे पे निकाल देते हैं, उसको स्पैंक करते हैं, उसको थप्पड़ मार देते हैं, गुस्सा कर देते हैं. अगर ऐसी कोई भी इमोशन आ रही है तो पहले हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा. हम चाहते हैं हमारे लव्ड वन हमसे प्यार से बात करें, हम चाहते हैं कि वो आपको इरिटेट ना करे, तो क्या हम अपनी इमोशंस को वैलिडेट करके उस पे वर्क कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें मैम हम जो चाहते हैं हम वैसा उनके साथ कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि वो हमें इरिटेट ना करे, हम चाहते हैं कि वो हमसे प्यार से बात करे, हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अपनी टेक केयर करें,
हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, हम चाहते हैं कि वो ठीक रहें, हम चाहते हैं हमारा लव वन सुबह सुबह उठ के नहा धो के ड्रेसअप होके अच्छे से हंस के मिले, हंस के बात करें। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बिना हुए, बिना कंगी किए, बिना बाल बाल शाम तक लग जाते हैं अपने वर्क पे, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। हम कहां स्माइल करते, स्माइल इज कंटेजियस आ जाता है। अगर हम हमारे अंदर वो स्माइल नहीं आ रही, इसका मतलब है कुछ तो कमी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर हम अपना केयर करेंगे तब हम उनका केयर कर पाए। हम जो चाहते हैं उनसे, हम क्या अपने लिए कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो इरिटेट ना करें, हम प्यार से बात कर रहे हैं, हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं सिर्फ ये करें, बट हम चाहते हैं कि आप भी करें। हमने मतलब बीइंग पेरेंट, बीइंग फैमिली, हमने भी तो अपना आप गवाह ही दिया ना चीजों में। उनको उनको एडिक्शन के कारण वो नहीं कर पा रहे, हमें उनकी एडिक्शन है इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो हम भी अपनी उस एडिक्शन से निकले और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें। चलिए, सो लास्ट थ्री पॉइंट्स वी आर गोइंग टू क्लब टुगेदर, क्योंकि ये तीनों मिलते जुलते हैं, सो इसकी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बी आर्म टू प्रिवेंट रिलैप्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड अप्रिशिएट माइक्रो चेंजेस। सो जब आप छोटे छोटे चेंजेस को अप्रिशिएट करोगे इनमें, कि ये उठ के बैठे हैं, आज नहाए हैं, आज हमारे साथ बात किया, टाइम पे नाश्ता कर लिया, टाइम पे काम पे चले गए हैं, टाइम पे शाम को आ गए हैं, माइक्रो माइक्रो बिल्कुल, जैसे एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो मदर एक बिल्कुल उसके माइक्रो चेंजेस देख देख के सेलिब्रेट करती है ना, आज खड़ा हो गया, आज बैठ गया, आज पहला पैर रखा, आज पहला वर्ड बोला, आज पहला बार चल पड़ा। उसी तरह क्या आप इनके माइक्रो चेंजेस को सेलिब्रेट कर रहे हो कि आपका फोकस सब्सटेंशियल चेंजेस पे खूब, जैसे क्योंकि हमारे अंदर कंपैरिजन बड़ा कॉमनली आ जाता, क्योंकि उस एज ग्रुप में आपके कोई रिश्तेदार या आसपास के जो आपके होंगे वो बच्चे, तो आपको लगेगा कि वो फलाने मुकाम पे पहुंचे, ये तो अभी ऐसे हैं। ये कंपैरिजन से आप छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस को इग्नोर कर देते हो, आप उनको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, बिकॉज आपके माइंड में भी सिर्फ होता है बड़ा बड़ा क्विक फिक्स मिल जाए, कोई जल्दी से कोई बड़ा चेंज आ जाए। तो रिकवरी प्रोग्राम ये स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखो, छोटी चीजों में खुशियां हैं, ना कि बड़े के पीछे भागते रहो। एंड देन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि अगर मतलब इस बीमारी में उसका स्लिप होता है, रिलैप्स होता है, जहां उसको टाइम लगता है, तो ग्रेस दीजिए ना,